भारतीय समता परिवार के इस बिरसा मुंडा की 144वीं जयंती के अवसर पर उपस्थित आप सब मंच के विद्वज्जन और हमारे प्रिय छात्र छात्राओं, बुद्धिजीवी मित्रों, एक ऐसे समय में जब मैं इन बच्चियों को सुन रहा था तो मुझे विचारों की एक गहरी ताजगी वहां दिखाई दे रही थी। और जितनी बातें बिरसा मुंडा के बहाने हमारे समय, समाज और संस्कृति पर आज यहां हुई हैं, दरअसल अगर उन बातों को हम अपनी जिंदगी में, एकेडमिक क्षेत्र में कथनी और करनी के स्तर पर 10% भी लागू करें, जीवन में शामिल करें, तो मुझे लगता है कि बिरसा मुंडा आदिवासी समाज और उसकी संस्कृति, भारतीय समाज में आदिवासी की स्थिति और उसका भविष्य, इन सब के लिए थोड़ी सी रोशनी निकल सकती है। वस्तुतः हमारा समय गहरे अंतर्विरोधों, नियतियों, त्रासदियों और दुखों से भरा हुआ समय है। जितनी आशा और उम्मीदें हैं, जैसे कि बचपन में आप सबके पास, खासकर एमए और बीए की छात्र छात्राएं हैं, उनमें हैं, और उन्हीं को ज्यादा संबोधित करके मैं अपनी दो चार बातें कहूंगा। ये सपने, ये आशाएं कितनी कोमल हैं, कितनी हसीन हैं, नई और पुरानी दुनिया के बीच कितनी झूल रही हैं। लेकिन इस तरफ जो आप देख रहे हैं, जहां से विचार आ रहा है, हम सब वहीं से गुजर करके आए हैं। उन आशाओं पर, निराशाओं के, दुखों के, यातनाओं के न जाने कितने बादल और आवरण भी चढ़े हुए हैं। कुछ तो आप महसूस करते हैं, कुछ आने वाले समय में महसूस करते होंगे। और हम सब ने भी जो सपना देखा था, उसके अखुए के बीच में ही सूखने की स्थिति को भी आज देख रहे हैं। दरअसल बिरसा मुंडा पर बात करते हुए, बनारस जैसी जगह में जो लोग यहां उपस्थित हैं, उसमें दो तरह के लोग हैं, एक आदिवासी समुदाय से, दूसरे गैर आदिवासी समुदाय से। पर इन दोनों की एक बुनियादी विशेषता है कि दोनों एकेडमिक हैं, ज्ञान विज्ञान और शिक्षा की दुनिया से जुड़े हुए हैं। हम सब जिस समय में हैं, उसमें बात तो ग्राम, आदिवासी ग्राम पर कर रहे हैं, लेकिन गहरे रूप से विश्व ग्राम और इंस्टाग्राम से जुड़ गए हैं। बातें हम आधुनिकता की कर रहे हैं, लेकिन वह आधुनिकता दरअसल बर्बरता के पर्याय में बदल गई है। जिस हसीन और विभ्रम में फंसी हुई आधुनिकता को कुछ तो हम पाना चाहते हैं, कुछ तो हम छोड़ना चाहते हैं, इसी फाक में हमारी नियति छुपी हुई है। मित्रों, हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये बुक का समय कम और फेसबुक का समय ज्यादा है। बिरसा मुंडा सेल्फ की लड़ाई लड़ रहे थे, सेल्फ, आत्म, आत्महीनता के विरुद्ध। वह आत्म क्या था? वह आत्म बिरसा मुंडा का अपना आत्म था। सबसे पहले अपनी लड़ाई लड़ रहे थे मुंडा, दूसरी लड़ाई अपने समुदाय, सहजीवी सहअस्तित्व के समुदाय के आत्म उत्थान की, गौरव की, और उसे जो ब्रिटिश राज और सामंती भारतीय व्यवस्था के द्वारा, जातिवादी व्यवस्था के द्वारा कुचला जा रहा था, और ईसाई और हिंदू धर्म के माध्यम से कुचला जा रहा था, उस आत्म की खोज कर रहे थे। तो दूसरा आत्म गौरव समुदाय का था,
तीसरा निश्चित रूप से हिंदुस्तान का और राष्ट्र का आत्म था, जिसकी खोज भी कर रहे थे और जिसको बचाने की वे कोशिश कर रहे थे। मित्रों, 21वीं सदी में यह बहुत दिलचस्प है कि बिरसा मुंडा के बहाने हम आदिवासियत और हिंदुस्तानियत के आत्म की, सेल्फ की, चित्त की, उस रूह की तलाश कर रहे हैं जो कहीं भटक गई है, देह कहीं और है, आत्मा कहीं और, जिस्म कहीं और है, रूह कहीं और ईमानदारी से बातें कही जाए तो विराट आदिवासियों के हिस्सों में से एक बड़ा हिस्सा है जिसकी रूह कहीं और चली गई है और देह कहीं और चली गई है। हमें यह बहुत कड़ाई के साथ आत्मालोचना करनी चाहिए। इस संदर्भ में देखें तो सेल्फ की खोज के दौर में तो हम खड़े हैं, लेकिन हम जिस नियति के दास हैं वह सेल्फ नहीं है, वह सेल्फी है। मित्रों, हम सेल्फी से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सेल्फी सेल्फ नहीं होता है, सेल्फी सेल्फ नहीं होता है, पाउट हंसी नहीं होती है। हमें ध्यान रखना होगा। और जैसा मैंने कहा कि ट्वीट री लाइक डिसलाइक कुछ होगा और बिरसा मुंडा, वस्तुतः मुझे लगता है कि समाज, संस्कृति और भाषा के तीन प्रश्नों को लेकर बिरसा मुंडा पर थोड़ी सी बातचीत जो हो गई है, उनमें से कुछ रिपीटेड होगी और कुछ हो सकता है कि नहीं होगी। मैं साहित्य का शिक्षक हूं। सबसे पहले जब अनुज लुगुन की कविता मेरे सामने आई और वह एमए का छात्र था, पांडुलिपि आई, यह पलाश के खिलने का समय है, उलगुलान चाहिए, जंगल एक तरफ कट रहे हैं, खत्म हो रहे हैं और दूसरी तरफ बढ़ रहे हैं, हमें किस जंगल में रहना है, किस जंगल में जाना है, हम इस धरती के नागरिक क्यों नहीं हैं? हमारा पानी हमारा नहीं, हमारी मिट्टी हमारी नहीं, हमारी जमीन हमारी नहीं, हमारी संस्कृति हमारी नहीं, हम नाचना चाहते हैं। नाचना मनुष्य का बुनियादी, उसकी आत्मा की बुनियादी जरूरत है। गीत बुनियादी जरूरत है, संस्कृति बुनियादी जरूरत है, संसद बुनियादी जरूरत नहीं है, राजनीति बुनियादी जरूरत नहीं है, राष्ट्र बुनियादी जरूरत नहीं है। जब संसद नहीं थी, राष्ट्र नहीं था, राजनीति नहीं थी, तब भी मनुष्य था, तब भी यह समुदाय था, तब भी समाज था, और किसके साथ था? उसका सबसे बड़ा हम सफर कोई नेता नहीं होता है मनुष्य का, उसका हम सफर एक पेड़ होता है, एक चिड़िया होती है, एक नदी होती है, पहाड़ होते हैं। और आज विकास की जिस औपनिवेशिक फिरंगी दमनकारी मॉडल को 300 साल पहले हमने उठाया था, वह लगातार चल रहा है। डॉक्टर साहब ने सही कहा, नव उपनिवेशवाद। एकेडमिक दुनिया में हम कई तरह के नाम उसे हम देते हैं, लेकिन वह दमन का अभियान चल रहा है और हमारा आत्म सिकुड़ता जा रहा है, उनका आत्म फैलता जा रहा है, उनका बाजार फैलता जा रहा है, हमारा सरोकार सिकुड़ता जा रहा है, उनकी बर्बरता फैलती जा रही है और हमारी आधुनिकता, मातृसत्तात्मक आधुनिकता, आदिवासियों से बहुत कुछ लेने की जरूरत है। तो एक ऐसे दौर में हम विचार कर रहे हैं क्या? पहली बात तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि आदिवासी विमर्श को भारत में मुख्य धारा के विमर्श से नहीं मिलाया जाना चाहिए। मुख्य धारा का वह विमर्श जो वर्ण व्यवस्था और खासकर जातीय अस्मिताओं के विमर्श पर आधारित है, वह आरक्षण तक जाकर ठहर गया है। इस देश की संसद, इस देश का आरक्षण, कुछ सुविधाएं, हजारों सुविधाओं के बाद एक लड़की ने खूबसूरत कहा कि क्यों दिल्ली के फेफड़े, बनारस के फेफड़े, देश के फेफड़े थम जाने को है। दरअसल जीवन शैली का प्रश्न सवाल है, दरअसल सभ्यता का सवाल है, दरअसल जिंदगी जीने के उस तरीकों का सवाल है। तब मैं कहूंगा कि बिरसा मुंडा 1800 जिस आदिवासी समाज को लेकर चल रहे थे, लड़ाइयां लड़ रहे थे, वह
केवल जल जंगल जमीन का मसला नहीं था। वस्तुतः आप देखें तो कि जो जमात थी आदिवासियों की, वह दो तरफ से खत्म की जा रही थी। एक तो ब्रिटिश हुकूमत नया उपनिवेशवाद लेकर आया, जंगल जल जमीन का कानून लेकर आया, और उस जल जंगल जमीन के कानून में के साथ एक धर्म भी नया लेकर आया था, और उसे लगा कि हिंदू समाज के भीतर ईसाइयत को तो नहीं फैलाया जा सकता है, लेकिन आदिवासी मासूम हैं, बहुत आसान है, और यहाँ के मुख्यधारा के जाति व्यवस्था के जो बिचौलिए थे, सामंत थे, महाजन थे, जो धीरे धीरे मुख्य समाज से जंगल की ओर बढ़ रहे थे और आदिवासी जमीन खेत पर कब्जे कर रहे थे और दमन तरह तरह के कर रहे थे, उनसे एक गठबंधन बनाया 1857। और मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि आप एकेडमिक विद्यार्थी हैं, आप लड़ने के लिए यहाँ एक्टिविस्ट नहीं जमा हुए हैं, केवल लड़ाई, लड़ाई का अर्थ जो विजेंद्र कह रहे थे, बहुत अच्छी बात कह रहे थे, लड़ाई का अर्थ हुआ नहीं है जो आजकल हिंदुस्तान में चल रही है। लड़ाई का एक रूप तो मॉब लिंचिंग भी है, लड़ाई का एक रूप तो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का विवाद भी है, मंदिर मस्जिद भी लड़ाई है। लड़ाई का अर्थ यहां रूपांतरण है, बदलाव है। और मैं समझता हूं कि एक बुद्धिजीवियों और नेताओं में एक बुनियादी फर्क होता है कि नेता एक तरफा बोलता है, लेकिन बुद्धिजीवी संवाद करते हैं, वाद विवाद संवाद, और उससे एक नए विचार पैदा करते हैं। हमारी सार्थकता है कि हम क्या अपने समय, समाज और सभ्यता के लिए कुछ नए विचार खोजें, कुछ नई रोशनी खोजें और वहां तक पहुंचाए जहां तेजी से अंधेरा बढ़ाया जा रहा है। यही हमारा प्रतिरोध है, यही हमारी लड़ाई है, यही हमारा संघर्ष है, और उसके लिए हर स्तर पर हमें जुटना होगा। 1857 की लड़ाई को मैं, इस हिंदुस्तानियत की बात करते हुए मैं आदिवासियत को केंद्र में रखने की अपील करता हूं आप सबसे, खासकर नई पीढ़ी से। 1857 की लड़ाई इस देश के का पहला स्वतंत्रता संग्राम नहीं है। पहला स्वतंत्रता संग्राम झारखंड से, जो बंगाल था उस समय पूरा का पूरा, राजमहल की लड़ाई से 1855 और 56 में लड़ा जाता है, जिसे संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है, और इतिहास के एक बड़े हिस्से ने, और 1970 के बाद पहले यूरोप की एकेडमिसिया ने जगह दी, उसकी 20वीं कार्बन कॉपी BHU और भारत की संस्थाओं में 20-30 वर्षों के बाद पहुंची। हम बहुत पीछे हैं, हम बहुत बासी हैं, हमें कार्बन कॉपी फोटो स्टेट कराने में मजा आता है, चाहे असाइनमेंट लिखना हो या परीक्षा का उत्तर लिखना हो या नए सवाल जिंदगी के पैदे करने हो। तो हमें पहली बार आदिवासियत हमें पहली मौलिक सिखाती है कि नहीं, वो पहला पन्ना है जिंदगी का, हिंदुस्तानियत का, होने का। और मित्रों, आप देखें कि 1855-56 में 25,000 आदिवासी मारे गए थे, खून राजमहल की पहाड़ी खून से लाल कर दी थी ब्रिटिश हुकूमत और बिचौलियों ने, देसी बिचौलियों ने मिलकर, और उस लड़ाई को इतिहास में कोई जगह नहीं। उसी परंपरा में 1875 में बिरसा मुंडा आते हैं, सिद्धू कान्हू की लड़ाई, बिरसा मुंडा की लड़ाई, टाना भगत की लड़ाई, जिस मियां समाज से ब्रजेंद्र आता है, गोविंद गिरी और प्रेमचंद भील ने स्वाधीनता संग्राम में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई राजस्थान में लड़ी है। ऐसे छोटे छोटे संघर्षों को हमें एक करने की, ये क्षतिग्रस्त बिखरी हुई चीजों को एक बनाने की जरूरत है। आज दरअसल आदिवासी और अस्मिता विमर्श एक नहीं, कई अनेक तरह की अस्मिता विमर्श के नाम पे हिंदुस्तान में कुछ पूंजीवादी और जड़तावादी, कट्टरवादी, तानाशाह शक्तियों को मजबूत करने का भी काम हो रहा है। वे शक्तियां भी वहां पहुंच गई हैं। आप देखिए किन किन रूपों में पहुंची हैं। तब मैं आपको यह कहूंगा कि बिरसा मुंडा की लड़ाई, जिस आत्म की खोज थी, वह क्या था? बुनियादी सवाल आज तीन हैं, समाज, संस्कृति और भाषा के सवाल। इसके लिए मैं दो किताबों का प्रस्ताव नई पीढ़ी के लिए करता हूं कि अभी दो नॉवेल हिंदी में आए हैं, उपन्यास, महाश्वेता देवी और तमाम लोगों के तो आपने पढ़े ही होंगे,
वह झारखंड पर ही दिलचस्प रूप से केंद्रित हैं और एक नॉवेल मैं राजस्थान पर केंद्रित हैं, जिनकी तरफ आपका इशारा करूंगा कि जरूर उसे पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए। एक नॉवेल है गायब होता देश, कैसे आदिवासियत और हिंदुस्तानियत इस देश से गायब हो रही है। झारखंड के आदिवासियों के जीवन पर केंद्रित यह नॉवेल है और यह रणेंद्र का है। दूसरा नॉवेल रणेंद्र का ही आया है ग्लोबल गांव के देवता, जिसमें झारखंड की जो असुर जनजाति है, ये जो सुर असुर की लड़ाई आज देख रहे हैं, राम और रावण और हिंदू और मुसलमान और देव और दानव, कैसे मिथ बनता है, कैसे आइडिया तैयार होता है, असुर जाति है हमारे यहाँ, जनजाति रही है, उस पर केंद्रित है। और कैसे धरती पानी पहाड़ सब गायब किए जाते हैं करीने से। अब ब्रिटिश हुकूमत नहीं है यहाँ, देशी सत्ता के भीतर जो उत्तर औपनिवेशिक शक्ति है, नव साम्राज्य, उत्तर साम्राज्य मैं कहूंगा, नव नहीं कहूंगा, वो चल रहा है सिलसिला, वह कैसे उसे लूट रहा है, उसके रेशों को ताने बानों को बहुत बारीकी से उस उपन्यास में है। और एक राजस्थान पर धूनी तपे तीर जो उपन्यास है, उस उपन्यास को भी हमें देखना चाहिए। और हरे राम मीणा का यह उपन्यास है जिसमें स्वाधीनता संग्राम से लेकर बाद के दिनों तक के संघर्ष को बहुत तीखे ढंग से दिखाया गया है। मित्रों, ध्यान हमें ये रखना है कि हमें एक ऐसी सभ्यता बनानी पड़ेगी अब, जो केवल पर्यावरण का सवाल नहीं है, केवल सांस लेने का सवाल नहीं है, पूरी के पूरे सांस्कृतिक अस्तित्व अस्मिता, सामाजिक अस्तित्व अस्मिता के साथ समानता स्वतंत्रता पर आधारित जिंदगी जीने का सवाल है। एक संपूर्ण स्वतंत्र मनुष्य और उसकी सभ्यता बनाने का सवाल है। आरक्षण का सवाल बड़ा सवाल नहीं होता है, नौकरियां ही नहीं है, आरक्षण लेंगे कहां से, यहां तो BRS दिया जा रहा है, डिग्रियां बट रही हैं, 50 लाख रुपए खर्च करने के बाद 5 लाख रुपए की नौकरी नहीं है, MA PhD करने के बाद रेलवे में गैंगमैन और पत्थर टालने की नौकरी नहीं मिल रही है। इस देश में अब केवल पकौड़ा बनाने की नौकरी है, खाने वाले कम है, बनाने वाले ज्यादा है। तो एक ऐसे समय में हमें देखना होगा, और यह पूरी की पूरी सभ्यता की लड़ाई है, जिस सभ्यता की लड़ाई के केंद्र में बिरसा मुंडा और पूरी की पूरी आदिवासी सभ्यता का जो मॉडल है वह हमारा अगुआ दस्ता है। हमें ध्यान रखना होगा कि पूरब और पश्चिम टकरा रहा है यहाँ पर। हिंदुस्तान जो 250-300 सालों तक गुलाम रहा, उपनिवेशित रहा, वह उपनिवेशित हिंदुस्तान और जो उपनिवेशक है, दोनों के बीच के इसका इस तीखा संघर्ष सभ्यता की दिशा में जा रहा है। हम सब उसके चपेट में आ चुके हैं, और अगर इसी दिशा में यह सभ्यता चलती रही तो बहुत दिनों तक मनुष्य ही नहीं बचेगा। तो आदिवासी की बात तो छोड़िए, आदिवासी तो सबसे ज्यादा कई स्तरों पर शिकार किए जा रहे हैं, और आप जानते हैं जिसकी बहस और जिस पर कितनी चीजें हमारे सामने आ चुकी हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा, ये ध्यान रखें कि पश्चिम की संस्कृति और धर्म ईसाईयत पर केंद्रित है, भारत की संस्कृति और धर्म सामासिक है और विविधतापूर्ण है, और वह बहुरैखिक है, और उसमें हिंदू भी है, इस्लाम भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है, ईसाई भी हैं। पर एक अंतर है दोनों की सोच में, दर्शन के स्तर पर, कि पश्चिम का दर्शन प्रकृति के विरोध पर खड़ा है। पूरा दर्शन, पूरा विज्ञानवाद, टेक्नोलॉजी, जो कुछ आप उपयोग कर रहे हैं, ये मेगापिक्सल से लेकर तमाम चीजें, ये प्रकृति के विरोध पर खड़ा है। लेकिन भारत का जो दर्शन है हजारों साल का सभ्यता का, वह प्रकृति के सह अस्तित्व पर टिका हुआ है। यही वह बिंदु है जहां बिरसा मुंडा हिंदुस्तान के सबसे बड़े हीरो हमें दिखाई देते हैं, वहां गांधी भी हमें दिखाई देते हैं हीरो के रूप में, कि हमें भविष्य की सभ्यता अगर बचानी है, समाज बचाना है, इस संस्कृति को बचाना है, तो हमें जल जंगल जमीन दो कारणों से बचाना होगा। एक तो समाज और संस्कृति के पूरब वाले नजरिए के लिए,
और दूसरा मनुष्य के अस्तित्व के लिए, जो पेड़ जंगल पहाड़ नहीं होने के कारण बचेंगे ही नहीं 100-200 वर्षों में, इसके लिए। इन दोनों कारणों से आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में दुनिया में 6000 भाषाएं हैं, सबसे ज्यादा आदिवासी भाषाओं को बोलते हैं। हर रोज एक भाषा मरती है और आदिवासी भाषा सबसे पहले मरती है। हिंदुस्तान के भीतर जो भाषाएं पिछले 25-30 वर्षों में मरी हैं, उनमें से 1-2-10 बोलने वाले थे, वहां तक की भाषा मर गई है। मित्रों ध्यान रखें, जब एक भाषा मरती है तो उसके साथ साथ उसके बोलने वाले मनुष्य भी मर जाते हैं, संस्कृति मर जाती है, उसकी सभ्यता मर जाती है, जीवन के हुए तत्व मर जाते हैं। इसको, इस सभ्यता को, इस दुनिया को विज्ञान ने नहीं बनाया है, करोड़ों वर्षों में प्रकृति ने इसे गढ़ा है। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, हजारों तरह की पेड़ों और पौधों से जो इनका रिश्ता है वो करोड़ों वर्षों में विकसित हुआ, वह पेड़ पौधे हैं जो अपने जीवन के साथ हैं, लेकिन आज कितनी तेजी से वे खत्म हो रहे हैं। तब हमें भाषा को भी बचाने की जरूरत है। और अंतिम बात मैं ये कहूंगा कि आज के विमर्श में जो एक चीज गायब हो रही है, अस्मिता के जितने छोटे छोटे विमर्श हैं वह मुख्य धारा में जातिवाद केंद्रित विमर्श होते जा रहे हैं, और आदिवासियों के विमर्श की भी कोशिश की जा रही है कि स्थानिक आधार पर, उसके समुदाय और जमात के आधार पर बांटा जाए। दरअसल ये डिवाइड एंड रूल, विभाजन की वही औपनिवेशिक नीति है जिसके चलते आसानी से 200-250 वर्षों तक यहां शासन हुआ और शोषण हुआ। आप ध्यान रखिए कि प्रकृति वाले इसी देश के कच्चे माल को लूट कर इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति हुई थी, और मशीनों ने फिर से दुनिया को नए सिरे से मजबूती से कब्जा किया, जो आज तक सिलसिला जारी है। तो जब एक पेड़ मरता है तब एक कुर्सी पैदा होती है। मित्रों ध्यान रखिएगा कि कुर्सी पैदा करने के लिए पेड़ की हत्या की जरूरत है, बिना पेड़ के मरे कुर्सी नहीं पैदा काट की हो सकती है। सत्ता से चुनौती लेना आदिवासी समाज का बुनियादी कर्तव्य रहा है। आप सब अपने चिंतन मनन एकेडमिक लेखन में ध्यान रखिए कि पूंजीवादी शिक्षा मनुष्य जमात को व्यक्ति में बदलती है, समुदाय को मनुष्य में एक व्यक्ति में बदल देती है, सह अस्तित्व और सह जीविता को भी इंडिविजुअलिज्म में, व्यक्तिवाद में बदल देती है, और व्यक्ति को फिर वस्तु केंद्रित करती है, फिर उसे वस्तु में बदल देती है और सेल्फ से सेल्फी में ले आती है। इसलिए यह जो पूंजीवादी शिक्षा है जो आप प्राप्त कर रहे हैं, दरअसल उसी शिक्षा के चश्मे का या आंख पर पड़े हुए उस पर्दे का कमाल है कि आपको सिर्फ राजनीति दिखती है, फिरका परस्ती बंटवारा दिखता है, अपना व्यक्तित्व कैरियर, कुछ लोगों को अपना कैरियर दिखता है, वजूद दिखता है, आरक्षण दिखता है। दुनिया, हमारा समाज आर्थिक बराबरी से, अंबेडकर ने एक बहुत बड़ी बात संविधान निर्माण के समय कह दी थी, इस देश के भीतर का राजनीतिक लोकतंत्र बहुत ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकता है और चल नहीं सकता है अगर सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र और बराबरी ना आए। आपका संविधान सारे मौलिक अधिकार नहीं है। जितने विमर्श आज चल रहे हैं उसमें आर्थिक समानता की लड़ाई कहीं नहीं विमर्शों में है। और खतरनाक विमर्श एक तरह का पैदा क्या हो रहा है कि अब दलित और ओबीसी सामाजिक न्याय का विमर्श भी नहीं रहा है। अब अपनी अपनी जाति को, पूरे जाति के तिनकों को, पूरी पृथ्वी पर आम के लकड़ी जहां जहां है उसको यज्ञ के लिए एक जगह करिए और होम नमः शिवाय होगा वो, तो इस तरह जुटाया जा रहा है। इससे कौन सी दुनिया बनेगी? नहीं बन सकती है। इसलिए आदिवासी विमर्श हिंदुस्तान की वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के विमर्श से बिल्कुल भिन्न है। कई बार अंबेडकर ने भी अन्याय किया है। अंबेडकर ने स्वयं प्रस्ताव किया था कि आदिवासी के एक बड़े डीनोटिफाइड ट्राइब के हिस्से को वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। तो आपको देखना पड़ेगा इन लड़ाइयों को, इन संघर्षों को अलग अलग आपको देखना पड़ेगा। और असल लड़ाई
तो मनुष्य के अस्तित्व, उसकी अस्मिता, उसकी सभ्यता, जीवन शैली की लड़ाई है, एक स्वप्न, एक यूटोपिया देखने की लड़ाई है, जहाँ तक धुंधला है उससे बहुत आगे निकल जाने की लड़ाई है। और हम समझते हैं ये ज्ञान से, विचार से, विवेक से, उस प्रतीक से लेकर ही हम और कुछ नया बौद्धिक रच के ही हम आगे बढ़ सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। और खासकर हम एकेडमिशियनों की जिम्मेदारी है, ये आदिवासी किसान हमारे बीच नहीं है, बिरसा मुंडा का स्वप्न है केवल हमारे पास, हमें उसमें से जोड़ना पड़ेगा। मित्रों, बनारस ऐसे भी कर्म की जगह कम, कर्मकांड की जगह ज़्यादा है, यहाँ गोष्ठी सेमिनार भी अक्सर कर्मकांड में बदल जाते हैं, लेकिन मैं ये मानकर चलता हूँ कर्मकांड की स्थलियों को छोड़कर आपने जो ये बीच की जगह चुनी है, शायद यह जगह ही बता रही है राजनीतिक रूप से, यहाँ कर्म, एक आवाज, एक रोशनी, एक शक्ति निकलने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस समाज का कोई इतिहास होता है उसका ही भविष्य होता है। आपने मौका दिया, आपको और समता परिवार को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो समता के हमारे साथी हैं, खासकर नए कुछ रिसर्च स्कॉलर हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, जो एकेडमिक स्तर पर बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, सोच है, समझ है, एक बिखरे हुए माहौल में ये प्रयास उनका निश्चित रूप से इतिहास का सबब बनेगा, इतिहास में एक चिन्ह बना पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।